एजुकेशन हब पर आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश की जो आपकी बुक है क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी की बिहाइव बुक उसका फर्स्ट चैप्टर जो है द फन दे हैड जिसके ऑथर हैं आइज़ैक एज़िमोव। आज हम उसकी शॉर्ट स्टोरी जो है उसकी समरी पढ़ने वाले हैं और ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, ऑथर का इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी की। तो ऑथर के इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, दैट आइज़ैक एज़िमोव वाज एन अमेरिकन राइटर। अब हमें ये पता चला कि द फन दे हैड है उसके ऑथर कौन है, आइज़ैक एज़िमोव, और ये कौन थे, एक अमेरिकन राइटर थे एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स। और उसके अलावा ये प्रोफेसर भी थे बायोकेमिस्ट्री के बोस्टन यूनिवर्सिटी जो है मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वहाँ पर। Now he was born on January 2, 1920 in Petrovichi, Russia and lived up to April 6, 1992 in New York, United States at the age of 72. अब इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1920 को पेट्रोविची रशिया के अंदर। और ये जिंदा कब तक रहे थे, यानी कि इनका लास्ट डे कौन सा था, April 6, 1992 का, यानी कि ये 72 साल तक जिए न्यूयॉर्क में रहे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा आता है सम फेमस शॉर्ट स्टोरीज, यानी कि उनकी कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज थी जो उन्होंने लिखी, उनमें से कुछ एक मैंने जो ज़्यादा फेमस थी वो लिख दी हैं यहाँ पर, जिसमें से पहली है द फन दे हैड जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है, यानी कि इसी स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं, 1951 की स्टोरी है। देयर आफ्टर द लास्ट क्वेश्चन 1956 का जो 1956 में लिखी गई ये स्टोरी है। ट्रू लव 1977 में लिखी गई स्टोरी है। प्रोफेशन 1957 में और रन अराउंड 1942 में। तो ये कुछ एक इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी की, द फन दे हैड बाय आइज़ैक एज़िमोव। तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। तो इन पिक्चर्स के थ्रू हमें क्या पता लग रहा है कि ई लर्निंग जो है या फिर कंप्यूटर के थ्रू स्टडी या फिर रोबोटिक स्टडीज या फिर ऑनलाइन स्टडीज, इसके बारे में हमें पता चल रहा है डायग्राम से। सो द स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, यानी कि ये स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं इससे हम कहाँ जाने वाले हैं, फ्यूचर के वर्ल्ड में जाने वाले हैं, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने वाले हैं। फिक्शनल है ये स्टोरी, यानी कि ये किसी के मन की सोच है। वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये जो फ्यूचर के बारे में स्टोरी है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्यूचर में कंप्यूटर्स जो हैं वो एजुकेशन में कितना अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, यानी कि ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, कंप्यूटर लर्निंग, रोबोटिक लर्निंग, इस तरह से स्टडी होगी इन फ्यूचर। बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और इसके अलावा जैसे कि आज के समय में हम बुक्स पढ़ते हैं वो भी धीरे धीरे लुप्त होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी और उनकी जगह टेक्नोलॉजी ले लेगी। हालांकि आज के समय में भी कोविड के सिचुएशन में भी हम ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, तो आज के समय में भी ई लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव हो चुकी है, यानी कि आइज़ैक एज़िमोव की जो थिंकिंग थी वो काफ़ी हद तक काम कर रही है, मतलब उनकी फिक्शन जो थी वो ट्रू हो रही है एक तरह से। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, अब मेनली स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सो द स्टोरी ओपन विद मार्जी राइटिंग इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। अब ये स्टोरी किस चीज़ से स्टार्ट होती है, मार्जी अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिख रही है और वो किसके बारे में लिख रही है, एक पुरानी किताब के बारे में, और वो किताब मिले किसे थी, टॉमी को मिली थी। यानी कि हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर देखे, एक मार्जी नाम की लड़की है और एक टॉमी नाम का लड़का है। मार्जी अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिख रही है किताब के बारे में और वो किताब मिली किसे, टॉमी को। सो मार्जी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर हु टॉक्ड अबाउट हिज ग्रैंडफादर हु वेंट टू एन एक्चुअल स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। अब मार्जी को अपने दादाजी की बात याद आ गई कि उनके भी दादाजी यानी कि मार्जी के दादाजी जो हैं वो एक टाइम पर स्कूल जाया करते थे, एक्चुअल स्कूल में, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ह्यूमन टीचर के थ्रू पढ़ाए जाते थे। नाउ टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड एंड मार्जी वॉज ऑफ 11। अब टॉमी की एज बताई है 13 साल यहाँ पर, 13 ईयर्स, और मार्जी की एज बताई है 11 ईयर्स। और ये जो स्टोरी है ये हम पढ़ रहे हैं ये 1957 के प्लॉट में सिचुएट की गई है। सो दे फाउंड मैनी स्ट्रेंज थिंग्स इन द बुक। अब उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब चीज़ें मिलती हैं बुक के अंदर जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग was that after reading the book became useless। अब जो मेन चीज़ इफेक्टिव यानी कि अजीब लगती है उन्हें, स्ट्रेंज लगती है, इफेक्टिव नहीं, वो क्या थी, पहली थिंग थी कि ये एक बार बुक पढ़ने के बाद बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो द टेक्स्ट रिटन ऑन इट डिड नॉट चेंज द वे इट हैपन ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम
आगे की स्टोरी बताई है 1857 में, उस टाइम तक टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या थिंकिंग बताई गई है कि कंप्यूटर पर जो टेक्स्ट है वो इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, आगे आगे चलता रहता है, जैसे कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा, बट आने वाले समय में और भी इफेक्टिव हो सकता है ये। लेकिन बुक के अंदर वो टेक्स्ट वैसा का वैसा पड़ा रहता है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में इधर उधर मूव करता है। तो ये इन्हें काफ़ी अजीब लगा। तो ये अजीब लगा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक पिक्चर मैंने ऐड की है, ये देखिए स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के स्कूल्स में क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग होगी, रोबोटिक टीचर होगा यानी कि टीचर रोबोट होगा, इधर उधर शिफ्ट होता हुआ ई टेक्स्ट होगा, उसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम होंगी यानी कि लाइव वीडियो या ऑनलाइन वीडियो क्लासरूम्स होंगी, जो कि आज के टाइम में भी चल रही हैं कोविड की सिचुएशंस के अंदर। और उसके बाद स्टोरी में क्या आता है, हाउ एवर नाउ मार्जी एंड टोमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड। अब मार्जी और टोमी कहाँ बताए गए हैं, फ्यूचर के वर्ल्ड में बताए गए हैं, यानी कि ये भविष्य का समय बताया गया है, इन द ईयर 1857, यानी कि ये स्टोरी कब की प्लॉट है, 1857 की, वेयर एजुकेशन वॉज कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड। और ये 1857 की स्टोरी के अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू ही लर्निंग होगी, कोई बुक्स वगैरह नहीं होंगी। दे डिड नॉट गो टू स्कूल्स। अब ये जो 1857 की स्टोरी है, इसमें जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जाते हैं, इंस्टीड दे हैड अ स्पेशल स्टडी रूम वेयर अ कंप्यूटर टॉट देम। बल्कि उनके पास तो क्या है, एक अलग से कमरा होता है जिसे कि वो स्टडी रूम कहते हैं, और उसी में एक कंप्यूटर लगा होता है जिसके थ्रू कि वो लर्निंग करते हैं अपनी स्टडीज़ को। सो द कंप्यूटर टीचर वॉज प्रोग्राम्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। अब जो कंप्यूटर टीचर है, यानी कि कंप्यूटर है, उसमें जो टीचर है, रोबोटिक टीचर भी होगा, तो उसे इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है कि हर एक बच्चा जो है उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली ही उसे टीचिंग दी जाती है ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पर ये एक पिक्चर भी आपकी बुक में दिखाई गई है, जिसमें कि मैकेनिकल टीचर जो है वो एक बच्ची बैठी है यहाँ पर, और ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन में मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा है। तो ये इसका स्टडी रूम है, इस तरह से हमें दिखाया हुआ है। सो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। सो द पेजेस ऑफ द बुक दे फाउंड वर येलो एंड क्रिंकी क्रिंकली। तो जो बुक मार्जी और टॉमी को मिली, दोनों को मिली, उसके पेजेस कैसे थे, येलो कलर के थे, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा समय से पड़ी हुई थी बुक, इस वजह से उसके पेजेस येलो कलर के हो गए थे और क्रिंकली हो गए थे। अब क्रिंकली से क्या मीनिंग है, मान लीजिए आपके पास कोई ब्लैंक पेज पड़ा है या कोई भी पुराना पेज पड़ा है, तो उसे आप दोनों हाथों से ऐसे दबा कर और फिर वापस खोल कर देखेंगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दरारें जैसे पड़ती हैं हमारे किसी चीज़ पर या दीवार पर, वैसे से निशान आपको दिखेंगे, तो वो चीज़ होती है क्रिंकल। तो वैसे से निशान उस पेज पर पड़ गए थे। सो मार्जी एंड टोमी फाउंड इट फनी टू रीड द वर्ड्स दैट डिडंट मूव लाइक दे मूव्ड ऑन द स्क्रीन। अब मार्जी और टोमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा था कि जो स्क्रीन पर वर्ड्स होते हैं वो तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये जो बुक है इसमें वर्ड्स यहीं के यहीं पड़े हैं, एक बार भी मूव नहीं हुए। व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। और वो अगले पेज पर पहुंचकर वापस जब पन्ना पलट कर देखते हैं तो वो वर्ड्स हैं बुक पर वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, यानी कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरह ये वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। मार्जी हेटेड स्कूल। अब मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स विद लर्निंग ज्योग्राफी फ्रॉम हर मैकेनिकल टीचर। अब उसे अपने मैकेनिकल टीचर से ज्योग्राफी पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी। क्यों आती थी, इट वॉज लार्ज एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड ऑल इन अ स्पेशल रूम इन देयर ऑन हाउस। अब एक बात हमें पता चली जो हमने पहले भी पढ़ा कि उनकी स्टडी कहाँ होती थी, उनके घर में ही एक कमरा होता था जिसे वो स्टडी रूम कहते थे, वहाँ पर उनकी स्टडी होती थी। उसके अलावा ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी, काफ़ी ज़्यादा अगली सी देखने को लगती थी, और बहुत बड़ी स्क्रीन होती थी जिस पर कि सारे लेसन जो है वो शो होते थे। उसके अलावा क्वेश्चन भी उसी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछे जाते थे। और ये सारी कहानी कहाँ होती थी, ये सारा काम एक स्टडी रूम में बैठकर किया जाता था। इट कुड ऑल्सो कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। और ये जो कंप्यूटर टीचर है ये एक कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंड्स में ये मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर देता था टेस्ट के, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके। सो नाउ मार्जी हेटेड द स्लॉट वेयर शी हैड टू इंसर्ट हर होमवर्क और
टेस्ट पेपर्स। अब मार्जी को ये स्लॉट बहुत बुरा लगता था जिसमें कि उसे अपना होमवर्क इंसर्ट करना होता, यानी कि होमवर्क सबमिट करवाना पड़ता था या फिर टेस्ट पेपर्स भी सबमिट करवाने पड़ते थे। वंस द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ हर मैकेनिकल टीचर वॉज ग्रेडेड टू क्विक सो दैट हर मार्क्स गॉट वर्स एंड वर्स। अब हमने पढ़ा कि उसे जियोग्राफी का सेक्टर तो वैसे ही बहुत अजीब लगता था, ऊपर से उसका जो जियोग्राफी का सेक्टर था उसका मैकेनिकल टीचर कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चलने लग गया था, जिसकी वजह से मार्जी के मार्क्स जो है वो डिक्रीज होते गए, यानी कि उसकी मार्किंग कम आने लगी। द काउंटी इंस्पेक्टर रीबिल्ट इट इन 1 आवर। अब उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया, यानी कि मैकेनिक को बुलाया गया, जिसने कि कुछ ही देर में, यानी कि लगभग घंटे भर में ही ये सारा कुछ सेट कर दिया था, यानी कि उसकी कंप्यूटर को सही कर दिया था। हालांकि मार्जी ने तो सोचा था कि जैसे टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर ख़राब हुआ था तो उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो काफ़ी समय तक उसे ले गया था अपने साथ और काफ़ी समय तक लौटाया नहीं था। तो मार्जी को भी ऐसा ही लगा कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कुछ दिन के लिए मैं इससे दूर हो जाऊँगी, यानी कि खेड़ा छूट जाएगा इससे। बट ऐसा हुआ नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर ने तो एक ही घंटे में उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन है या कंप्यूटर टीचर है वो सही कर दिया था। और ये हमारा लास्ट पेज है, दे हैड अ टीचर। यहाँ पर ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि इट वाज अ मैन। अब ये दोनों, ये देखिए, ये टॉमी है और ये मार्जी है, ये दोनों इस बुक में से पढ़ रहे हैं और बुक में इन्होंने क्या देखा, इस पिक्चर को देखा है जिसमें कि एक टीचर है, ह्यूमन टीचर है, जो कि एक ही स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आगे की स्टोरी में देखते हैं क्या बताया गया है। बोथ टॉमी एंड मार्जी वंडर्ड एट द बुक फाउंड। अब मार्जी और टॉमी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए, काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहे थे उस बुक को देखकर जो कि उन्हें मिली थी। मार्जी ऑल्सो वंडर्ड हाउ मच फन इट वुड बी स्टडिंग इन अ स्कूल। अब मार्जी को ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती थी, उससे काफ़ी ज़्यादा ये भी आश्चर्य हुआ कि एक ही जगह पर एक ही स्कूल में जाकर सारे बच्चे बैठते थे और पढ़ते थे तो कितना मज़ा आता होगा स्टडिंग इन अ फन वे विद अदर चिल्ड्रन। अब वो सोच रही थी कि सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर पढ़ते थे कितना मज़ा आता होगा, दैट टू फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर हु गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड क्वेश्चंस। और उससे भी बढ़िया बात क्या थी कि उनका टीचर जो था वो भी एक ह्यूमन था जो कि उन्हें होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था। आज के टाइम में तो, यानी कि ये अब मार्जी सोच रही है कि हमारे टाइम में 2057 में तो कंप्यूटर स्क्रीन है, वही हमसे क्वेश्चन पूछती है, वही हमें अपना होमवर्क देती है, वहीं पर हमें होमवर्क सबमिट कराना होता है। लेकिन पहले के टाइम में अच्छा होता था, सारे बच्चे एक साथ स्कूल में जाते थे, वहाँ जाकर अपने खेलते थे, पढ़ते थे, मस्ती करते थे। सो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उन सभी के पढ़ने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसे कि स्कूल कहा जाता था। ये कौन सोच रही है, ये सोच रही है हमारी मार्जी। सो वेयर द चिल्ड्रन वेंट एंड दे लर्न द सेम थिंग इफ़ दे वर द सेम एज। और मार्जी को ये बात भी जानकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ, हालांकि दोनों को ही काफ़ी आश्चर्य हुआ ये जानकर कि अगर बच्चों का सेम एज ग्रुप है तो उन्हें एक ही क्लास में बिठाया जाता था, यानी कि सेम एज ग्रुप के बच्चों को एक क्लास में बिठाया जाता था और उससे बड़े एज के बच्चों को उससे बड़ी क्लास में बिठाया जाता था। तो ये चीज़ देखकर मार्जी को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है। समरी वाइज हमने पढ़ा है तो समरी के अकॉर्डिंगली इतना इनफ है, ब्रीफली हमें बताना था तो मैंने बता दिया है, साथ ही साथ ऑथर का इंट्रोडक्शन हो गया है। अगर आपको बाकी चैप्टर्स या फुल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको चैप्टर्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसी प्लेलिस्ट में सारे के सारे इस बुक के चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखिए, बाकी के चैप्टर्स देखिए। थैंक यू।